नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आजकल आपने भी सुना होगा JPC, बहुत हॉट कीवर्ड। हॉट कीवर्ड मतलब जिसको ज़्यादा लोग खोजते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। राहुल गांधी ने इसे मानो देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी मान लिया हो, ऐसा ही लग रहा है। JPC जैसे वो चिल्ला रहे हैं, कांग्रेस जैसी मांग कर रही है। वही JPC जो राहुल की पार्टी की सरकार में बार बार बनी और कई बार तब विपक्ष में रही BJP ने इस JPC को आंख में धूल झोंकने जैसा बताया। उस JPC पर राहुल की पार्टी अब अड़ गई है। इसी JPC पर शरद पवार भी चर्चा में है। उन्होंने राहुल गांधी के मोदी अडानी अभियान को पंचर कर दिया है। पवार ने टाटा बिरला का नाम लिया, देश के लिए उनके योगदान को याद किया, ये नादानी भी बताई कि कैसे पहले सरकार का विरोध करने के लिए टाटा बिरला का इस्तेमाल होता था। अब ये सीख वो दे रहे हैं कि ऐसा अब मत करो। राहुल की अगुवाई में कांग्रेस जो है वो सड़क के बदले संसद में बहुत आंदोलनरत नजर आई, ब्लैक ड्रेस में। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा चलने ही नहीं दिया। काले लिबास में कांग्रेसी अपने नेता राहुल की डिमांड दोहराते नजर आए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी पर JPC की जाँच हो। JPC मतलब फुल फॉर्म में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, JPC। अब ये कैसे राहुल गांधी की नादानी है ये डिमांड, इसको शरद पवार ने साबित किया, ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि पवार एक सीजन पॉलिटिशियन है, जमाने से अरसे से वो राजनीति में है। लेकिन दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे और P. चिदंबरम जैसे नेता JPC मुहिम में राहुल के साथ रहे। ये वैसे नेता हैं जो राजीव गांधी के समय से JPC रिपोर्ट का हाल देखते आए हैं। अब राहुल को आईना लेकिन कौन दिखाए, सब तो पीछे पीछे चलने वाले। तो ये काम किया महाराष्ट्र में उनके सहयोगी शरद गोविंद राव पवार ने। पवार से जब ये पूछा गया कि हिंडनबर्ग क्या है, तो उनका जवाब था पता नहीं क्या है। पवार की इस गूगली पर 2024 में मोदी के खिलाफ गोलबंदी का ख्वाब देख रहे सारे विरोधी दलों के नेता बोल्ड हो गए। पवार ऐसे धाकड़ नेता हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना गुरु मान चुके हैं, लिहाजा कुछ तो वजन होगा अगर उन्होंने ऐसा कहा। 24 घंटे बाद पवार ने अपनी बात को तर्क का जामा पहनाया। उन्होंने बताया कैसे वो एक JPC के चेयरमैन रह चुके हैं और क्या होता है JPC में, और किस JPC के चेयरमैन थे वो भी आगे बताऊंगा। कैसे अगर JPC बने और 21 मेंबर होंगे तो आज के हालात में 15 NDA के होंगे, 6 आपके विपक्ष के, फिर JPC की रिपोर्ट बहुमत से बनती है तो ऐसी जाँच का क्या फायदा। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करने वाले पवार ने इसी बहाने बतौर सांसद राहुल की नादानी को सामने लाकर रख दिया है। JPC में लोकसभा के सदस्यों की संख्या हमेशा दोगुनी होती है राज्यसभा के सदस्यों की तुलना में, और किस सदन से किस पार्टी से कितने सांसद होंगे ये उनकी सीटों की संख्या के हिसाब से तय होता है। तो समझना मुश्किल नहीं है कि अगर इस मसले पर अडानी पर JPC बनती है तो उसमें NDA के लोग हावी होंगे। अब पहले कब कब ऐसी JPC बनी, तो पहली JPC जो बनी वो अब देखिए कैसे होता है। कांग्रेस के समय से सबसे ज्यादा कांग्रेस ने बनवाया, और पहली अहम JPC बनी वो फोर्स घोटाले की जांच के लिए, तारीख थी 12 अगस्त 1987। इसी दिन राज्यसभा ने लोकसभा के फैसले को सहमति दी JPC बनाने पर, और बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए 30 सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई, JPC बनती है। इसमें 20 सदस्य लोकसभा के थे और 10 राज्यसभा के। अगुवाई कर रहे थे B. शंकरानंद। 22 अप्रैल 1988 को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इसमें कहा गया कि स्वीडन से 155 mm के 400 बोफोर्स गन की डील में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, यानी राजीव गांधी को क्लीन चिट, किसी भी भारतीय शख्स को किकबैक नहीं मिला है। JPC ने कहा कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले कि बोफोर्स AG जो कंपनी थी उसने 64 करोड़ रुपए का घूस किसी को दिया हो। लेकिन उसी JPC में शामिल अन्ना द्रमुक जानकी गुट, उस समय अन्ना द्रमुक डिवाइड हुआ था, उसके एक MP थे अलादी अरुणा, उन्होंने एक डिसेंट नोट लिखा विरोध में और कई तर्कों से बताया कि ये जो JPC की रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है।
खैर आर्मी ने वैसे पहले ही कहा था कि उनको 28 से 30 किलोमीटर रेंज वाला तोप चाहिए, लेकिन बोफोर्स का रेंज सिर्फ 21 किलोमीटर था। अलादी अरुणा ने अपने नोट में लिखा कि बोफोर्स कंपनी का सरकार के भीतर असर था और कुछ लोगों ने पैसे लिए थे। खैर इस घोटाले की जांच में इसकी आँच में राजीव गांधी की सरकार चली गई और बीपी सिंह सत्ता में आए। तो ये थी देश के पहले जेपीसी की कहानी। अब उसके 5 साल बाद 1992 में हर्षद मेहता का काला कारोबार सामने आया और दलाल स्ट्रीट पर रक्तपात होता है, ब्लड बाथ। देखते ही देखते साधारण निवेशकों के $1 करोड़ हवा हो जाते हैं शेयर मार्केट से। सरकार कांग्रेस की ही थी, पीवी नरसिंह राव पीएम थे, तो उन्होंने राम निवास मिर्धा की अगुवाई में जांच के लिए जेपीसी बनाई। क्या हुआ उसका? जेपीसी की सिफारिशों को न तो पूरी तरह स्वीकार किया गया और न ही उस पर कोई अमल किया गया। तो ये दूसरी जेपीसी जो कांग्रेस ने खुद बनाई, उसकी रिपोर्ट आई और उस पर जो हुआ उसकी गवाही देती हुई। अब अटल जी की सरकार, अटल सरकार में भी बनी 2001 में। सेम हर्षद मेहता की तरह केतन पारेख ने शेयर मार्केट की कमजोरियों का फायदा उठाया, स्कैम किया। तब प्रमोद महाजन ने लोकसभा में जेपीसी की पेशकश की थी और भाजपा के सांसद लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी इसके हेड बने। अगले साल रिपोर्ट भी आई, उन्होंने इस जेपीसी ने सेबी और एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में अमूल चूल सुधार के लिए कई सिफारिशें की, लेकिन इस पर भी कुछ खास नहीं हो सका, यानी इसकी सिफारिशों को टोटली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। और तब इसके बाद 2003 में एक तहलका मचता है जब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट आती है और वो बताती है, दावा करती है कि जितने भी बड़े कोल्ड ड्रिंक्स के ब्रांड्स हैं उसमें पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक मिला हुआ है। और उस समय बाबा रामदेव उभर रहे थे, उनको इस मौके की तलाश थी। संसद में हंगामा मचता है, जेपीसी बनती है और इसके चेयरमैन बनते हैं शरद पवार, जिसकी चर्चा हमने पहले की। 2004 में शरद पवार कमेटी ने सदन को अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें माना गया कि हाँ, कई ब्रांड्स के कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड की मात्रा स्वीकृत सीमा से कहीं ज़्यादा है। इस कमेटी ने जेपीसी ने फूड स्टैंडर्ड नियमों को सख्त बनाने की सिफारिश की। जेपीसी की कुछ मांगे मान ली गई लेकिन अधिकतर पर अमल नहीं हो सका। शायद वही दर्द शरद पवार अभी साझा कर रहे होंगे या बता रहे होंगे कि जेपीसी बनती रही है, इनका कोई मतलब निकलता नहीं है, क्योंकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता है नहीं। अब एक खेल होता है 2011 में, 2G वाला खेल। CAG की रिपोर्ट आती है, भारतीय राजनीति में खलबली पैदा होती है। ये बताया जाता है कि भाई इसमें सरकारी जो खजाने को 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ है इसकी नीलामी में, स्पेक्ट्रम की नीलामी में। लेकिन जब कांग्रेसी धाकर PC चाको की अगुवाई में JPC बनती है और वो जांच करती है तो मनमोहन सिंह को क्लीन चिट मिल जाता है। चाको ने तो विपक्षी दलों से आए सदस्यों की टिप्पणी को भी एडिट कर दिया, जो जेपीसी में जो अपोजिशन पार्टी के लोग थे उन्होंने जो अपने नोट्स लिखे। खैर BJP के सदस्यों ने कहा कि मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री P. चिदंबरम को जेपीसी के सामने आना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, जेपीसी की पूरी रिपोर्ट में सारा ठीकरा उस समय के संचार मंत्री A. राजा पर फोड़ दिया जाता है और सभी लोग बचा लिए जाते हैं, उनको क्लीन चिट मिल जाती है। मनमोहन सरकार में एक नहीं कई मामले आए थे भ्रष्टाचार के। तो बस कुछ दिनों बाद 2013 में आ गई एक रिपोर्ट, अगस्ता वेस्टलैंड जो VVIP हेलीकॉप्टर बनाती है। सामने आया कि इस इतालवी कंपनी ने हेलीकॉप्टर खरीद में वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों समेत कई लोगों को घूस दिए। रक्षा मंत्री AK एंटनी ने तुरंत 30 मेंबर वाली एक भारी भरकम JPC बनाई। और तब एक इंटरेस्टिंग चीज है, BJP के धाकर नेता अरुण जेटली ने कहा था कि ये JPC धूल में आंख झोंकने वाली है। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो ये अपने आप JPC खत्म हो गई, CBI ने कार्रवाई तेज कर दी। खैर क्योंकि हर सरकार अपने हिसाब से एजेंसियों को तरजीह देती है, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं भू अधिग्रहण, लैंड एक्विजिशन एक्ट,
बहुत हंगामा हुआ जब 13 में एक्विजिशन एक्ट बना था, 15 में बीजेपी ने इस पे संशोधन किया। इस पर और 31 सदस्यों से लैस जेपीसी बनती है और इसको एक्सटेंशन के बाद एक्सटेंशन मिलता गया। कई बार तो मीटिंग करने लायक कोरम भी पूरा नहीं हो पाया, 31 में 5-6 लोग आते थे, मीटिंग भी नहीं हो पाती थी और ये जेपीसी एक तरह से अपनी मौत मर चुकी है। तो ये है इस देश में जेपीसी की कहानी, जिसके लिए इस संसद के 200 घंटे अभी बर्बाद हुए। आपने देखा, बर्बादी के लिए बीजेपी भी कम जिम्मेदार नहीं है, जो राहुल से लंदन वाले बयान पर माफ़ी की मांग करती रही कि देश की बेइज्जती की है। अब एक घंटे की बर्बादी जब होती है संसद में तो 1.5 करोड़ रुपए की बर्बादी हमारे जेब की होती है। इस हिसाब से हमारे देश के 300 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। यही जेपीसी की कहानी है और इसका असर है। आज इतना ही, बुधवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।